नेक्स्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मैडम उना हिसान मैं सर आपके लिए एक शेर डेलिकेट करूंगी आपको आप एक टीचर हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और एक शेर है आपके लिए वो गीत जो तूने सुना नहीं मेरी उम्र भर कर रियाज था वो तो थी मेरी गम उदासता जिसे तुम हंसी में उड़ा गए सुभान अल्लाह ओए होए होए थैंक यू सर ऐसा कहने? क्यों किया आपने क्या कहने बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम सलाम मेरा आपसे एक सवाल था कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिससे आप कभी भुला नहीं सकते ओह एक मोमेंट इतने सारे हैं <laughs> कोई एक बता देना देयर प्लेन्टी मैं आपको दो बता देता हूं एक खुशहाइन और एक गमगीन क्योंकि हमें जिंदगी सिर्फ खुशहाइन मौकों की नहीं होती गमगीन भी होते मेरे लिए वन ऑफ द Happiest moments मेरी जिंदगी का

जब मैंने अपनी बेटियों को खोया था तो दैट हैज़ बिन द टफेस्ट ऑफ माई लाइफ सो ये इन चीज़ों को मैं कभी भुला भी नहीं सकता ना भुलाना चाहता हूँ लेकिन यह है कि जब आप एक खूबसूरत बात है कि जब सबर का वक्त गुजर जाए ना तो अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि अब मुड़ के उसका भी शुक्र अदा कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ सीखने को है सो so, मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ

उसके बाद अगर कोई मुझे अभी मिला है तो ये है मोहब्बत गुमशुदा मेरी मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जो मेरे वालिद के तौर पे किरदार था आई थिंक आई कैन रिलेट टू इट द मोस्ट तो प्रिंसिपली यस yes. मेरा बेटा है रैन अब 16 साल का भी हो गया है बट आई नो दिंसिपल देर वैल्यूज लेकिन जो बेसिक ग्राउंड है आई वुड ऑलवेज मेरी ख्वाहिश भी ये होगी हर वालिद और हर वालदा से कि अपनी औलाद को इतना ज़रूर फीलिंग दें कि जो मर्जी हो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं ये is unconditional. घर तुम्हें जूते जो मर्जी करूं। लेकिन मेरी मोहब्बत पे तो like yes. आपसे क्वेश्चन ये है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रोल जिसमें आप बहुत ज्यादा डूब गए हो और उस करेक्टर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो आपके लिए बहुत अच्छा um, आपका नाम सानिया मेरे जो थिएटर के किरदार है ना एक ऐसा सानिया हुआ था yes. <laughs> मेरे जो थिएटर के किरदार हैं जो कि मैंने बचपन में भी किए थे वो आज तक मेरे अंदर जिंदा है और टीवी के किरदार जो हैं उनमें से बहुत चंद हैं जो कि आज तक मेरे अंदर जिंदा है लेकिन उनमें से मैं हमेशा नाम लेता हूँ मस्तान सिंह का संग माँ मैं आज तक उसका कड़ा पहनता हूँ क्योंकि जिंदगी के जिस पहलू से मैं गुजर रहा था उसमें मस्तान सिंह ने मुझे रेस्क्यू किया था उसकी ऐसे चंद वैल्यूज़ थे जिनको मैं हम बड़ी मुश्किल से तूफ़ान में समझे उसको पकड़ के रख रहा था कि यार हक के साथ खड़े रहना है जो मर्जी हो जाए हक़ के साथ खड़े रहना है हालाँकि इतना खींचा जा रहा था नोचा जा रहा था लेकिन मैं पकड़ के रखा क्योंकि मस्तान सिंह भी यही करता था तो लिहाजा वो मेरे लिए हमेशा एज अ ट्रिब्यूट एज अ रिस्पेक्ट आई लव टू हैव हिम लिव इन मी आई 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 एडमायर हिम सो आई स्टे विद हिम आप सबका शुक्रिया अपने सवालों के लिए तालियां बजाएं। छोटी सी ब्रेक लेंगे इस तरह इस तरह आपने कहीं नहीं जाना मैं मेरी ऑडियंस और मेरा गेस्ट इधर ही है कीप वॉचिंग हथि बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और इसी के साथ एक छोटा सा और हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है तोले बगैर बोलो उसकी अच्छा। तरफ चलते हैं जल्दी-जल्दी हम आपसे करेंगे इनशाला एक्टर अगर एक लंबा करियर चाहता है तो बहुत जरूरी है कि अपने क्राफ्ट से मोहब्बत करें ओफ़, यस आई थिंक भी करियर के लिए हर कोई, <laughs> कोई नहीं ओके okay. मुझे कॉमेडी रोल्स ज्यादा मिलते नहीं वरना कॉमेडी में मैं तब कब आप यस ओके सबा कमर खान मैं इनमें से किसके शोहर का रोल फ्री में भी करेंगे यार yeah, मैंने uh, मैंने माहिरा के साथ काम किया गॉड ब्लेस ब्लेसा के साथ काम किया गॉड ब्लेस महविश के साथ काम नहीं किया तो यस आई गो फ्री फॉर हर डन चुड़ेल्स जैसी वेब सीरीज हमारी इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था uh, बन सकता है यस एज एन एक्सपोर्ट एब्सोलूटली जिस एक्टर ने थिएटर नहीं किया वो कभी एक ग्रेट एक्टर नहीं बन सकता आई डोंट थिंक सो आई थिंक अदाकार अच्छे बन सकते हैं थिएटर के बगैर हाँ थिएटर किया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है

क्या नाम होना चाहिए टर्निंग पॉइंट और शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से मैं शायद अगर करवाऊँ मुझे सोचना पड़ेगा लेकिन मे बी आई वु यूज ओहो यासिर uh, क्या नाम खेस हसबेंड यासिर. यासर हुसैन यासिर हुसैन को पकड़ें आई थिंक यासिर माई डोंट और इसका नाम मैं रखूंगा द वैगिंग फिंगर ओके और इसको मैं बनाऊंगा एक फार ईस्टर्न एक्शन <laughs> <laughs> yes, मत चे, मत चे, वो, उसकी तरह वो जो थी बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो कौन कर सकता है यार है <laughs> और उसका न, नाम होगा <laughs> आज भी भुट्टो जिंदा है मैं बिलावल की एक्टिंग करूंगा बिल्कुल एंड यूल डू गुड जॉब आपने कह दिया तो डायरेक्टर ने कह दिया तो खत्म शेख रशीद शेख रशीद को मैं शेख रशीद के लिए कास्ट करूंगा और उसमें होगा ये लाल हवेली